हेलो फ्रेंड्स, रंजीता पाठक वर्ल्ड चैनल पे आपका स्वागत है। आप अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए मैं अब चलती हूँ आज सांभर रेसिपी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक गाजर ली हूँ और दो शिमला मिर्ची ली हूँ और आधा केजी सोहजन ली हूँ, एक छोटा सा दूधी, 4-5 टमाटर, 2-3 ग्रीन चिली और मिक्स दाल। मिक्स दाल में तुअर का दाल, मसूर का दाल, मूंग का दाल और चने की दाल है। तो मैं अब सभी सब्जी को यहाँ पे वॉश कर ली हूँ अच्छे से। तो मेरा यहाँ पे गाजर, टमाटर ये सब चॉप हो गया। अब मैं आलू को कट कर रही हूँ। सबको एक एक करके मुझे वॉश करके कट करके रखना है, इसी में लेट लगता है। तो फिर यहाँ पे सभी सामग्री को मैं कट करके वॉश करके रख रही हूँ। यहाँ पे मैं 100 ग्राम बीन्स भी ली थी तो उसको कट करके रख रही हूँ। अब मेरा यहाँ पे शिमला मिर्ची भी हो गया तैयार। अब मुझे ये लौकी के ये दूधी, कद्दू, सब जगह अलग अलग नाम है, तो मैं इसको छील करके अच्छे से कट कर लेती हूँ बड़े बड़े पीसेस में। मेरा दूधी भी तैयार हो गया। मैं आधा ही दूधी डाली हूँ, बहुत सब्जी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए सोहजन को मैं छील रही हूँ। इसका ऊपर का जो रहता है वो बहुत हार्ड रहता है, कड़ा रहता है, तो मैं इसका उतार लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप इसका छिलका नहीं उतारेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा, इसका स्वाद बहुत ख़राब लगेगा, इसलिए इसका अच्छे से छिलका उतार लीजिए तो फिर ये सॉफ्ट हो जाता है। और मैं ये सभी सामग्री को, ये रेसिपी को मैं कुकर में बनाऊंगी। कुकर में सब अच्छे से गल जाएगा, इसमें दाल भी पड़ता है तो दाल भी अच्छे से गलेगा, चने की दाल में लेट लगती है। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरा सारा सामग्री तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मेरा क्लीन हो गया एकदम सोहजन, ये गाजर, ये बीन्स, ये कद्दू, ये टमाटो और ये ग्रीन चिली, ये सभी मेरा, और ये दाल मैं पहले से ही वॉश करके रख ली हूँ। इसको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले से सारी तैयारी हो गई है। अब मैं चलती हूँ गैस के पास। देखिए मेरा सब्जी अभी कटिंग हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बनने के बाद कैसा लगेगा। ये वेरी हेल्दी होता है सब्जी और इसमें ऑयल भी कम पड़ता है, मसाला भी कम पड़ता है। वो आपके ऊपर है, आप मसाला ज़्यादा दीजिए या कम दीजिए, ऑयल कम दीजिए। देखिए मैं इसमें कितना सा ऑयल डाली हूँ, 2 टीस्पून डाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जीरा डाली हूँ और थोड़ा सा 2 पिंच हींग, 2 तेज़पत्ता। अब इसमें ये करी पत्ता है, 10-15 पत्ता है। अब इसमें ये लहसुन जाएगा, लहसुन प्याज अगर आप नहीं खाती हैं तो इसको स्किप कर दीजिए। अब प्याज जाएगा। मैं सभी को यहाँ 2 मिनट चलाऊंगी, अच्छे से ब्राउन करूंगी। अब इसमें मैं शिमला मिर्ची डाल रही हूँ, टमाटर जाएगा। सारी सब्जियाँ मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी। देखिए मैं सोहजन डाल रही हूँ, बीन्स, गाजर। अब ये दाल मैं डाल दूँगी।
ये दाल मेरा 200 ग्राम है। अब इसमें हल्दी जाएगा 1 टीस्पून, स्वाद के अनुसार नमक, आप तीखा कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये रेड चिली जो है ये कश्मीरी मिर्च है, इसको कलर लाने के लिए मैं देती हूँ, रेड मिर्च मैं यूज नहीं करती हूँ। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कीजिए, मैं 2-3 ग्रीन चिली ही सब चीज़ में डाल देती हूँ। उधर मैं चावल चढ़ा दी हूँ, इधर सांभर बनेगा। तो अब ये सांभर मसाला है, तो सांभर मसाला मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसमें इमली डाला जाता है तो मैं इमली नहीं डालूँगी, और मैं वो जीरा, भुना हुआ जीरा डाली हूँ 1 टीस्पून। और सभी को अच्छे से 2-3 मिनट फ्राई करूँगी, अच्छे से सारा मसाला पक जाएगा इसमें। करी पत्ता और डाल देती हूँ 2-4, इससे सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे अब पानी डाल दी हूँ। इसमें मैं 25 ग्राम गुड़ भी डाली हूँ। पानी में इसमें आधा लीटर डाली हूँ। देखिए इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए रंजीता पाठक्स वर्ल्ड को। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, इसको 5 मिनट में रखूँगी, 5 से 6 सीटी में लगाऊँगी। इसमें अच्छे से सारी सब्जियाँ इसमें गल जाएंगी। तो मेरा यहाँ पे कुकर सीटी देना शुरू कर दिया है। तो देखिए ये सब्जी जो है बहुत हेल्दी होता है। ये सब्जी में मसाला और ऑयल ये सभी चीज़ें बहुत कम कम देने से भी टेस्टी होता है। इधर मेरा चावल भी सीटी देना शुरू कर दिया है, चावल भी हो चुका है। अब देखिए मेरा यहाँ पे हो गया 5 मिनट, मैं सांभर को खोल रही हूँ। सॉरी, देखिए मेरा कितना अच्छा है। इसको पूरा अच्छे से मिला लें, छलनी से मिक्स कर लें सभी सब्जियों को। और आपको अगर इमली अच्छा लगता है तो आप इमली भी डाल सकती हैं, उससे थोड़ा कटाई हो जाएगा। नहीं तो आप एक नींबू इसमें डाल दें, नींबू का रस। देखिए मैं इतना पतला रखी हूँ, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सांभर तैयार हो गया। अब मैं फिर मिलूँगी दूसरे रेसिपी के साथ। कमेंट में लिखिए कैसा लगा। बाय।